हाय दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। हमें जोड़बीड़ गाड़वाला कंजर्वेशन क्षेत्र वन्य अभ्यारण्य जो कि संरक्षित प्रदेश है, यहाँ पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ हैं, जाल के पेड़ हैं। गिद्धों की घटती आबादी के लिए प्राकृतिक आवास व भोजन व्यवस्था का ये पर्याप्त यहाँ स्रोत है। जोड़बीड़ न केवल गिद्धों के लिए बल्कि शिकारी पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र जो खेजड़ी और बेर के पेड़ों के साथ एक बड़ी खुली भूमि है, जो कि 56.26 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ पर संरक्षित वन प्रदेश होने के कारण ना तो अवैध कटाई है ना ही चराई है। घास और रेगिस्तानी पौधे यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं, और यहाँ बहुत दुर्लभ पेड़ भी यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ औषधियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के परंपरागत ट्रेडिशनल जो पेड़ हैं, जैसे खेजड़ी, नाम इसका है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, बोर्डी यानी कि बेर इसका है जिजीफस, और बबूल अकेशिया निलोटिका अकेशिया सेनेगल, और इसी प्रकार जाल या सल्वाडोरा अकेशिया सेनेगल, रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेट तथा कैर अकेशिया इत्यादि, इसके यहाँ काफ़ी सारे पेड़ हैं। बीजों की प्राकृतिक प्रसार से खेती स्वतः ही होगी आ रही है, और खेती करने वाले किसान इसका संरक्षण भी करते हैं। और चूंकि जोड़बीड़ मृत पशुओं का निस्तारण स्थल के साथ एक डंपिंग जोन भी है, जिससे कि यहाँ पर आने वाले गिद्धों को पर्याप्त मात्रा में भोजन की सामग्री भोजन मिलता है। जोड़बीड़ में लगभग 3000 से 5000 तक शिकारी पक्षी और गिद्ध को एक साथ देखा जा सकता है। चूंकि जोड़बीड़ में मृत पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन और जल व्यवस्था है, जो माइग्रेटरी रूट है गिद्धों का, उसके रास्ते में भी ये पड़ता है। इसके कारण ये गिद्धों के लिए स्वर्ग से कम स्थान नहीं है। क्योंकि शिकारी पक्षी अक्सर भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं, तथा ये पारिस्थितिक तंत्र का एक स्वस्थ संकेतक होते हैं। गिद्ध, जिनका उद्देश्य पर्यावरण से मृत शवों को साफ करना है, इस काम के लिए प्रकृति की सबसे अच्छी रचना गिद्ध है। गिद्ध में कुल मिला के गिद्धों की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो बीकानेर नहीं आता है, इजिप्शियन वल्चर बहुत आयत में आता है, बियर्ड वल्चर ये भी बीकानेर नहीं आता, व्हाइट रंब वल्चर ये भी बीकानेर नहीं आता, सिलेंडर बिल्ड वल्चर ये भी नहीं आता, हिमालयन ग्रिफन बहुत सारे आते हैं, और यूरेशियन ग्रिफन जैसा आप देख रहे हैं, सारे यूरेशियन ग्रिफन बैठे, कुछ कुछ इसमें हिमालयन ग्रिफन है, और सिनेरियस वल्चर या ब्लैक वल्चर या मॉन्क वल्चर भी आता है, रेड एडर वल्चर बीकानेर नहीं आता। कुल मिला के इतने तरह के गिद्ध हैं। ये माना जाता है कि डाइक्लोफेनिक जो मवेशियों के दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती थी कैटल्स के, उसकी कारण इनकी किडनियों में 90% से 99% किडनी फेलियर हो गई, जिसके कारण ये काफ़ी संख्या में एक साथ मृत हो गए। गिद्धों के अलावा ब्लैक काइट, स्टेपी ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, इंडियन स्पॉटेड ईगल, ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, वाइट टेल ईगल आदि बहुत सारे रेप्टर्स मिलते हैं, और काफ़ी सारे यूरेशियन ग्रिफन वल्चर और सिनेरियस वल्चर और हिमालयन ग्रिफन वल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। स्थानीय रूप से वन विभाग द्वारा भी प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल व्यवस्था की गई है, परंतु जल स्रोत की कमी, पक्षियों के शरीर से निकलने वाले प्लास्टिक, शहर से आने वाले आवारा पशु और कुत्ते यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी संख्या में 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं जो गिद्धों को डिस्टर्ब करते हैं। इनके अलावा मृत पशु निस्तारण के पास रेलवे लाइन भी है, जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन भी आजकल हो गई है, और इस इलेक्ट्रिक लाइन पे 25,000 वोल्ट का करंट भी बह रहा है, जिससे शिकारी पक्षी इसके आसपास आने से मौत के घाट उतर रहे हैं। आवारा कुत्तों की उपस्थिति और पक्षियों की उपस्थिति दोनों पक्षियों के लिए और पर्यटकों के लिए दोनों के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि ये कुत्ते बहुत ही ज़्यादा क्रूर भी हैं और मांसाहारी हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। इसलिए यहाँ जब भी आप आएँ तो कभी पैदल ना चलें, क्योंकि ये हमला कर देते हैं, तो अपनी कार पे या कोई भी इस तरह से बंद गाड़ी में ही आप पे यहाँ पर आए। और यहाँ पर खेजड़ी सल्वाडोरा के वृक्ष है, जहाँ पर ये सारे गिद्ध शाम को अपने रात्रि विश्राम में करते हैं, और शाम को इवनिंग शॉट भी अच्छे आते हैं सनसेट में। तो ये छोटा सा गिद्धों का सर्दियों के माहौल का फरवरी में बनाया हुआ एक वीडियो है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। अच्छा लगे तो जरूर अपने कमेंट से मुझे लाभान्वित करना, जिसका कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।